अत्रि विधानसभा क्षेत्र से एमएलसी मनोरमा देवी को जदयू के द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों को नई गति प्रदान करेंगी तथा जनता को मान सम्मान देते हुए उन्हें हर परेशानी से दूर रखेंगी। सबसे पहले तो हमारी पार्टी हमको टिकट दिए हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। एनडीए के साथ में हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। सबसे पहले पत्रकार भाई बात है, मैं प्रतिनिधि अभी एमएलसी हूँ, मैं जनता को मान सम्मान सबसे पहले देने का काम करती हूँ। सबसे पहले मान सम्मान है तभी उनका काम है। क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण होगा और हम जो हैं सबसे पहले मान सम्मान देंगे, उसके बाद विकास होगा। हमारा जो हमारे जो प्रतिनिधि जो हमको वोट देंगे उनको कोई तरह की आंच नहीं आने देंगे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़ा रहेंगे।